अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो उठो, घंटी बज गई। जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है। इटली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे। उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना? पुलिस एकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है, इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे। मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा। यस सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD इज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, रात को फ्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये तोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी, दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है? वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा AC चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो 3 जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं। और आराध्या अपनी माँ के साथ कांस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुका कर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़ कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भूख मरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा, बाहर जाकर नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पूना बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते? तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओ जी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद? ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था, वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह,
बड़े भैया चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितनी मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है। मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द कलर कॉन्सेप्ट जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें, और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया, डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA FFFFFF सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा। होमली लगता है इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे। तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले काम के नकाज के ढाई मन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया। क्या भैया? भैया दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती। वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था, मेरी तो किस्मत खराब है। नहीं है नौकरी भी। चलो सर। देखा तुमने, कार्ड में से इनकी डिग्री गायब होने भर से वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बना दी इन्होंने। क्या वो इस तरह के आदमी को मना पाएगा? क्या तुम्हें उम्मीद है? वो जरूर बदल पाएगा, मुझे रामराज पर पूरा यकीन। तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। पर किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। छी माँ। भैया। क्या भैया? भैया खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है पर दिमाग में भूसा पहुंचता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको, ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजे कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे, मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है, डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। ए, अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा, खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी हुँ? इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा। अरे क्या सोचा, अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ए! ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद? उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो, क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट, उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट दे दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है, समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूँ। अब जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है, साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे रे, आपकी हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए,
एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर है। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा, बेशरम पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह, सिंह 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 सिंह, स्वागतम, सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो, तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना, आप इस वक्त सपना देख रहे हैं, ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम, इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन पता है? इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा, यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भव। चिल्ला मत बे, इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो। प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए, हीरो की तरह चले आ रहे हो, ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप सिंह, जय कृष्ण शर्मा। तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए, आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी, मेरी आंखें जल रही हैं, अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या भैया के साथ? ऊंची मेरी बहन को मारा, मुझे भी मारूंगा, मुझे मारूंगा, भी पट्टा डालूंगा, घूमते रहना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए, शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ सुन बे साले, उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं, उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते हाँ। रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना? हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया,
मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, आप सुबह सुबह ही हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने लगते हैं। बंद करो अपना ये गेंद का खेल। मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभालो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू राम।